बोला था सस्ते बन के चलना, सस्ते बन के चलना। एक ने सुपर ड्राई का ट्रैक सूट डाल लिया, एक ही ने एडिडास का डाल लिया, इन्हें समझ नहीं आता। और पारों से तो चेंज करवाए स्पेशली, चांदनी चौक के लिए ट्राउजर और क्रॉप जैकेट, पता नहीं क्या क्या पहने खड़ी हो गई। तुम्हें सस्ते का मतलब नहीं पता है। चले चांदनी चौक, तुझे देख के ना 2 रुपए की चीज है उसने 200 की बता देनी है। ये जा रही है जीके शापू जट के लेके रेडी थी, तुझे बोला नहीं था हम किनारी जा रहे हैं परांदा शरांदा लेने। हाँ लेके 2-3 बॉटल लेके तैयार हो गई है, पता नहीं जा वापस रख के आई ने, रख के आई ने। अब सुन लो दोनों बहुत ध्यान से, फोन का है, पर्स का है, दीदी जो सबसे आगे भागे जा रहे हो। हाँ फोन तो छोड़ ही आती जो हमारे पास था, तू तो अपना फोन छोड़ ही आती। और इधर सबसे ज्यादा हंस रही है कि एमपी का बैग लेके किसने चलने के लिए कहा था तुझे, पता नहीं इतना समझाने के बावजूद भी। दीदी जा रही है, हमारी जो दीदी है ना इन्हें सब चीजें पता है, हम इन्हीं को फॉलो करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं ना फॉलो ऐसे ही करते हैं। और ये आगे ऐसे मैडम बन के चलती हाँ पहले उतरती कहती रुको मैं थोड़ा सॉल्ट लेके आती, देखा सॉल्ट देखा तो अंकल जी अब ये वाली दीदी ना वहाँ मार्केट में जाके सॉल्ट खाएंगी, ये वाली दीदी, क्योंकि इन्हें ना ऐसे छोटा मोटा सॉल्ट समझ नहीं आता, ये छोले भटूरे कचौड़ी कुलचे पुलचे ये सब समझ में आता है। लेके चली है हाँ पता नहीं मुझे तो समझ, तो बैग ही नहीं लेके चली, मैंने तो पैसे ही निकालना पैसे तुमने निकालना। ये किसने लेके चली है? तू क्यों लेके आई बैग? चल ठीक है, बस ध्यान रखना जो चीजें लेके आयो ध्यान रखना। रास्ते में अंकल ने कह दिया था ये लड़की वो नहीं है, एक तो हमको कमीशन ले रहे शॉपिंग वॉपिंग का किसी चीज का, ऊपर से देखो मैडम कितनी सुनाती है हमें, सुनाती है शॉपिंग करो पता है किसी चीज का है नहीं, ज्यादा का रिक्शा कर लिया क्यों, क्योंकि एक तो 100 रुपए मांगे थे 70 रुपए कर रहे हैं बाकी बात बताती हूँ। नहीं नहीं हाँ ये लेके ना 20 रुपए सवारी है। तो अभी यहाँ से ना मेरे स्कूल की वैन निकली थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो आपको दिखाती है, सेम पे था मेरे स्कूल जाने का आने का, बहुत पास था मेरा स्कूल, लेकिन आधा घंटा पौना घंटा लग ही जाता था, कई बार तो 1 घंटा भी लग जाता था, गाड़ी कोई बस फंसी होती थी तो हाँ सच में इसलिए हाँ सो भी जाती थी मैं तो वैन में, क्योंकि इसी सेम चीजी का ना हमारे साथ वाला स्कूल था, खुद आ जाती पैदल ये रहा हमारा स्कूल, हमारे स्कूल के 4 गेट है तो ये 1 गेट है जिसको अभी कवर कर लिया। अच्छा सीरियसली तुम्हारी लग्जरियस लाइफ रही है ना, मेरी नहीं रही थी, मेरे को कोई खाने नहीं देता था, तुम लोग ही खाते थे। देख लो भाई फार्म के छोले कुलचे वाले, दुल्हन यहाँ पे खाया करती थी, पारस तो मम्मी की तरह व्लॉग निकाल के देखती रही हो, मैं कितने सालों बाद देख रही हूँ स्कूल, कितने सालों बाद। हमारे स्कूल के 4 गेट है, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। हाँ पैदल निकल लेते हैं, लेकिन ये वाली जीजी कह रही है मैंने पैसे तय करे वहां तक के, वहां तक ही जाऊंगी, वहां तक ही बैठूंगी। तो पारू सही कह रही है, टाइम सेव हो जाएगा हमारा। तो हम तो उतर ही गए फाइनली नीचे ना, कि हमें इतना वेट करते सच तो चल के चले जाए।
पास छोले भटूरे लेने के लिए दे दिए। सर मुझे तो नहीं खाना यार, देखो नटराज दही बल्ले वाले को तो पता ही, नाले वाले के तो बहुत अच्छे होते हैं। ये लेके आ गए पारो छोले भटूरे, मैं तो कभी खाऊंगी, तुम लोग तो मैं तो खाऊंगी नहीं बोल के सबसे पहले मैंने खाया ये। और ये देखो हल्का नहीं है, हमारे दुल्हन की चॉइस हल्की नहीं है, पनीर है इसके अंदर, देखो लगेगा होगा इसमें भी बहुत ज्यादा पनीर लग जाएगा, जिनको नहीं दिखेगा वो कहेंगे पनीर है। हाँ, ये थोड़ा सही है लेकिन ठीक है, हमारे लिए बहुत है। देखो वहाँ हरी मिर्च इतनी महंगी मिलती है, यहाँ देखो ये वेस्ट होने वाली है, कोई नहीं खाने वाला, फिर भी देते हैं। तो हमारी नहीं होगी कोई शॉपिंग, हम तो यहाँ खाने पीने ही आए हैं, अब चले गए लस्सी लेने के लिए, लस्सी लेंगे फिर आगे जाके कुछ दही बल्ले बल्ले खाएंगे फिर घर चले जाएंगे, बस यही तो हमारे चांदनी चौक की शॉपिंग। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. यहाँ पे कितनी वैरायटीज है एनवलप की, हर टाइप का, मतलब कि हम हमारे वहाँ पे ना हम लोग कैश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राहुल और मैं, मैंने यहाँ से बहुत उठाए हैं क्योंकि इतनी वैरायटीज और इतनी अच्छी चीज़ नहीं है और कहीं पे भी, ये सारे यहाँ से वहाँ एनवलप ही हैं। हम नेक्स्ट खाने वाले हैं बॉम्बे सैंडविच वाले का, तो अच्छा है, मैं पैर ना हार्ट भी नहीं कर रहा। देवेंद्र ऊपर वाले कानों के लिए कितनी पियर्सिंग है इसकी, 1 2 3 4 5 6 पियर्सिंग है वो। हरी मिर्ची चलेगी? हाँ जी, लाल मिर्ची मत डालना। लाल नहीं होती है? हाँ। हरी मिर्ची होती है अचार की? अच्छा लाल का? हाँ जी। हमारी दीदी ये करने के लिए आती है, सबको खाने के लिए, सबको अपनी। अब एक और आइटम आ गया और किया के कपड़े तो हुए नहीं लेकिन टीका सबसे काम गया। कुछ तो गलियां ऐसे, कुछ सामान भी ऐसे। ये कितने रुपए मीटर है? अरे ऐसी मस्टर्ड वाली में ले लेते हैं ना, ये वाली सही जाएगी, उस पे जितनी लटकन होगी उसको उतना ही मजा आएगा मेरी किया को, लेकिन वैसे हमें बहुत अच्छा कलेक्शन है। बस मेरी शान है ना, मेरी मम्मी ने तो बहुत रोक लिया आज उस लड़की को,
अब तो बस जल्दी जल्दी चलो। अभी पता चला कि मुझे खनी जाना है साकेत, और मैं एक दिन और एक्स्ट्रा लेके चल रही थी और मुझे और जल्दी है जाने की, क्योंकि मुझे बच्चों की पैकिंग, अपनी पैकिंग और कुछ 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 और लेना है, कुछ कुछ और करना है, बहुत कुछ करना है। बस मैं नर्वस हो रही हूँ। तो यहाँ पे मॉल बन रहा है, यहाँ पे नई शॉप खुलेंगी और है ना, मैं 3 साल पहले इसको बनते हुए छोड़ के गई। हाँ, फिर आके शॉपिंग करेंगे यहाँ से। मेरा गला भी गया। तो मैं जल्दी से बताती हूँ कि कल जो भैया क्यों आए थे और ये सब क्या चल रहा है, कि जो राहुल से छोटे हैं रोहित भैया, उनकी भी शादी है, और उनकी शादी है 28 को, और अब उसका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है 26 से, और इसलिए कल मुझे जल्दी से सब कुछ पैक करके और पहुँचना है साकेत सब फंक्शंस के लिए। लॉस्ट हो गई दिखाओ, अच्छा लग रहा है आपको? और यहाँ पे भी आके सबको दिखाओ। ये है भैया की शादी की ड्रेस है, पिंक कलर की, उसके ऊपर के लिए अच्छा लग रहा है। सोना अच्छी लग रही है। लहंगे के साथ की फुटवेयर देख रही हूँ, साइज नहीं मिल रहा है इसमें, ऐसी बो वाली अच्छी लगी ना भाई। तो मैं क्या की बच्चे को जो शॉपिंग कंप्लीट कर रही हूँ। एक्चुअली शान के लिए तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि शान को मैं विंटर्स वाले क्लोथ से बनाने वाली हूँ, वो इजीली मिल जाएंगे। लेकिन जो लहंगे सूट वगैरह है वो इजीली मुझे पसंद नहीं आते, मिल तो जाते हैं। ये ढोकला खांडवी सब आया, खाओगे? क्या है ये? सेम 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 है ये। सुनो 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 आयान, सुनो सुनो सुनो, फाइटिंग करना बंद करो। कल किया जा रही है, कल मैं इसको लेके जा रही हूँ, ये अपनी ग्रैंड हाउस जा रही है। हैप्पी? ये मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, सच्ची कह रही हूँ मैं, ये जा रही है ग्रैंड हाउस। क्या शाउट क्यों कर रही हो? ये क्या तरीका है, ये क्या बिहेवियर है? क्यों नहीं जाना तो पड़ेगा, मैं और शान जा रहे हैं, आपको रहना है, रहो ठीक है। अब फाइट मत करना, क्योंकि आज ये जितना लव यू करना है कर लो। मेहंदी की प्रैक्टिस हो रही है हमारे यहाँ पे। हाँ, अभी जा रही हूँ, फिर बोलोगे करवाया नहीं।